नमस्कार, द ग्रेट इंडियन टेल्स .com में आपका स्वागत है। आज हम लोइट्टा चुटकी बनाएंगे। लोइट्टा चुटकी को हिंदी में सूखा माच भी कहते हैं। इस लोइट्टा चुटकी का सर और पैर काट के उसको दो पीस करके 5-10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दिया है। इस तरह से काट लिया है। अब हम इसमें मेथी के दाने, 2-4 मेथी के दाने डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 प्याज बारीक काट लिया है, 2 से 4 लहसुन जैसे छोटे छोटे पीस में काट लिया है, 2 टमाटर और 2 बड़े चम्मच तेल की आवश्यकता होगी। लोइट्टा चुटकी या सूखा माच बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें हम 2-4 मेथी के दाने डालेंगे और उसे थोड़ा ब्राउन होने तक तल लेंगे। अब हमारा मेथी तल गया है, अब इसमें हम लहसुन डालेंगे। साथ में प्याज भी डाल देंगे और इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम लोइट्टा चुटकी या सूखा माच भी डाल देंगे, उसे भी साथ में फ्राई करेंगे। हमारा लोइट्टा चुटकी या सूखा फिश फ्राई हो गया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, अदरक का पेस्ट और टमाटर डाल देंगे और इसे हम मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब हमारे मसाले फ्राई हो गए हैं, अब इसमें हम पानी डालेंगे। 2 कप के बराबर हम इसमें पानी डाल देंगे। आप चाहे तो पानी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसे हम धीमी आंच में ढककर रख देंगे। हमारा लोइट्टा चुटकी या सूखा माच तैयार हो गया है, उसका पानी सूख गया है। इस तरह से हमारा फिश करी तैयार है। हमारा ड्राई फिश करी तैयार है। इसे गर्मा गर्म चावल के साथ परोसें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।